फ्रेंड्स वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास द लिस्ट ऑफ टॉपिक अपनी स्पीड और डायरेक्शन बदलता है जिस कारण इसकी स्पीड बताना मुमकिन नहीं होता क्योंकि जब मैं अपना मुंह स्पीड बताने के लिए खोलू उतने वक्त में यह अपनी रफ्तार बदल देता है तो इसका इलाज एवरेज वेलासिटी में है अगर हम डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें तो ड्यू टू रैंडम मोशन उनकी वेलोसिटी का वेक्टर सम जीरो मिलता है इसीलिए हम पहले सभी वैल्यूज का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे इसे मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अर्थात आर एम एस वेलोसिटी इसी टर्म को काइनेटिक थेरी ऑफ गैसेस में देखते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थेरी ऑफ गैसेस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर इज पी इक्वल्स वन बाय थ्री एन बाय वी एम वी स्क्वायर मॉडिफाइंग दिस इक्वेशन वी गेट वी स्क्वायर इक्वल टू थ्री टाइम्स पी वी अपॉन एन एम यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर का ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन के अंदर में सब्सटीट्यूट कर देता है तो हमें मिलता है बारहवीं स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एन आर टी डिड बाई एन एम वी नो डैट नंबर ऑफ मोल्स इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मालिकल्स ऑफ द गैस टू एवेगा नंबर दोस्तों जब हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा यन से यन कर देते हैं। और हमें मिलता बारह अपॉन एन एम मतलब यहां पर आपको मिल रहा है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी अब इस टर्म को ध्यान से देखिए स्मॉल एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है यदि मैं टू टाइम्स एम करो तो मुझे दो मॉलिक्यूल का मास मिलेगा थ्री टाइम्स एम करो तो मुझे थ्री मॉलिक्यूल का मास मिलेगा इसी प्रकार टेन टाइम्स एम करो तो मुझे टेन मॉलिक्यूल का मास मिलता है यदि मैं N टाइम्स एम करूँ तो मुझे वन मोल ऑफ गैस का मास मिलता है जिसे मोलर मास कहते हैं तो हम ये वैल्यू इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिला बस एक स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिलेगा रूट मीन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू एंड रूट ऑफ थ्राइज आर टी ओके इस फॉर्मूले से हम रियल गैस के मॉलिक्यूल की आर एम एस स्पीड निकाल सकते हैं अब बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन गैसेस

दोस्तों आप जानते हैं आइडियल गैस में मॉलिकुल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं होते इसलिए उनके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक होती है देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज

आइडियल गैस इक्वेशन के अनुसार पी वी इक्वल्स एन के बी टी होता है आप पी वी को रिप्लेस करेंगे टू टर्ड ऑफ ई से तो हमें मिलता है ई इक्वल्स थ्री बाई टू एन के बी टी या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई बाई एन इक्वल्स थ्री बाई टू के बी टी इसका मतलब है एवरेज एनर्जी पर मालिकुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ में एवरेज एनर्जी पर मालिकुल भी बढ़ेगी या टेम्परेचर घटा तो इसका वैल्यू भी कम होगा दिस इक्वेशन रिलेट्स माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ गैस टी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिकुल दोस्तों अब चलते हैं हमारे तीसरे और अंतिम टॉपिक पर लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी स्क्रीन पर आप डायनामिक सिस्टम का एक गैस मॉलिक्यूल देख रहे हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हम थ्री कंपोनेंट में रिज़ोल्व करते हैं vx vy एंड vz तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की वजह है क्योंकि मॉलिक्यूल के पास थ्री ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम एक अलग अध्याय है इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना करें बाय वेक्टर रूल, स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट होना चाहिए वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्स स्क्वायर इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर एवरेज वैल्यू शो करने के लिए इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिखेंगे दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑफ गैस मीन एनर्जी ऑफ मालिकुल्री बाई टू के बी टी होती है इक्वली बढ़ जाएगी तो ईच कंपोनेंट के पास एनर्जी होगी आप के बी टी यही लोफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी है द लॉ लोफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स डेट फॉर अ डायनामिकल सिस्टम इन थर्मलिब्रियम द टोटल एनर्जी ऑफ़ द सिस्टम इज इक्वली बाय ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोस्तों इस केस में हमने थ्री ट्रांसलेशनल डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम लिया इसलिए एनर्जी थ्री बाई टू के था अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइव रहता तो फाइव बाई टू के रहता ठीक है तो यह डिपेंड कर रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले वीडियो हमेशा पूरा देखे और लगन से देखे धन्यवाद